डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1891 to 1956 is considered the father of the Indian Constitution and is also the best known leader of the Dalits. Dr. Ambedkar fought for the rights of the Dalit community. He was born into was considered untouchable. The Mahars were poor, owned no land, and children born to them also had to do the work their parents did. The Mahakaste, which they lived in spaces outside the main village and were not allowed into the village. Dr. Ambedkar was the first person from his caste who completed his college education in England to become a lawyer. Encouraged Dalits to send their went children to school and college. He also urged Dalits to take on different kinds of government jobs in order to move out of the caste system. He led many efforts of Dalits to gain entry into temples. Later in life, he converted to Buddhism in his search for all members equally. Dr. Ambedkar believed that religion that treated Dalits must fight system and work towards a society based on respect the caste, not just for a few but for all persons. Dr. Bhimrao Ambedkar 1891-1956 को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है और दलितों के सबसे प्रसिद्ध नेता भी हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। उनका जन्म अछूत माना जाता था। महार गरीब थे, उनके पास जमीन नहीं थी और उनसे पैदा होने वाले बच्चों को भी वही काम करना पड़ता था जो उनके माता पिता करते थे। महार जाति, जो वे मुख्य गांव के बाहर की जगहों पर रहते थे और गांव में जाने की अनुमति नहीं थी। डॉक्टर अंबेडकर अपनी जाति के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी कॉलेज की शिक्षा पूरी की और इंग्लैंड में वकील बने। दलितों को अपने बच्चों को स्कूल और कॉलेज भेजने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने दलितों से जाति व्यवस्था से बाहर निकलने के लिए विभिन्न प्रकार की सरकारी नौकरियों को लेने का भी आग्रह किया। उन्होंने मंदिरों में प्रवेश पाने के लिए दलितों के कई प्रयासों का नेतृत्व किया। बाद के जीवन में उन्होंने सभी सदस्यों को समान रूप से खोजने के लिए बौद्ध धर्म अपना लिया। डॉक्टर अंबेडकर का मानना कि दलितों के साथ व्यवहार करने वाले धर्म को व्यवस्था से लड़ना चाहिए और जाति के सम्मान पर आधारित समाज की दिशा में काम करना चाहिए, न केवल कुछ के लिए बल्कि सभी व्यक्तियों के लिए।